कहानी के शुरू में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम नौरा था वो अपने डैड के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी नौरा के डैड की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थी वो ये सोचते थे कि अगर हम अपनी दिल की आंखों से देखेंगे तो बहुत कुछ हमें अलग दिखाई देगा और अगर पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा जो सुनने में सिर्फ कहानियाँ लगती है अभी भी अंधेरों में ट्रॉल्स मौजूद है वो ट्रॉल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नौरा के डैड ने नौरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में तेरह ट्रॉल्स थे जिन्होंने नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं थी वक्त का पता ही नहीं चला इसी तरह सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर के बन गए और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में सुमाए हुए है पर नौरा को ये सब कहानियाँ लग रही थी उसके सामने जो था वो तो सिर्फ पहाड़ थे नौरा के डैड उसको कहते हैं की बेटा दिल की आंखों से देखो तुम्हे ट्रॉल्स नजर आएंगे तभी नौरा को उन पहाड़ों में थोड़ी सी ट्रॉल्स की झलक दिखाई देती है ट्रॉल्स दिखते तो इंसानों की तरह ही थे पर साइज़ में बहुत बड़े होते थे लेकिन वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है नौरा अब बड़ी हो चुकी थी वो एक प्रोफेसर थी और अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी पर उनको खुदाई के दौरान कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती उनकी टीम वहाँ पर छह महीने से खुदाई कर रही थी पर उनको वहाँ पर अभी तक कोई भी बड़ी चीज नहीं मिली थी टीम के लीडर भी नौरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए पर नौरा अभी भी थोड़ा सा और वक्त चाहती थी क्योंकि उसके डैड ने उसे यही सिखाया था कि बेटा अपने आप पर भरोसा करना चाहिए उसको किसी की भी परवाह नहीं थी वो खुदाई कर रही थी तभी अचानक से जमीन में उसे कुछ दिखाई देता है उनको बहुत बड़ी चीज मिली थी दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके कि वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था जब बॉम्ब फटते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है वर्कर्स जब टनल के अंदर चेक करने जाते हैं तभी उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है सभी वर्कर्स वहाँ से डर कर भाग रहे थे सारे मामले को जानने के लिए वहाँ के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं इस मीटिंग में नौरा को भी शामिल किया जाता है नौरा का वेलकम वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रेस था नौरा वहाँ की वीडियो को भी देखती है जिसमे दूर ऐसी देखने ऐसी वहाँ आरोप किसी के बड़े बड़े पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे वहाँ पर बैठे हुए यही मानना था की ये कोई बहुत बड़ी चीज हो सकती है या फिर ये सब यहाँ पर तूफान की वजह ऐसी हुआ है पर नौरा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि मुझे तो ये किसी के पैरों के निशान लगे रहे हैं मगर कोई भी नोरा की बात को सीरियस नहीं ले रहा था तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है वीडियो दिखाती है उस वीडियो में ये सब लोग एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं और सब देख कर हैरान हो गए थे डर जाते हैं की आखिर ये क्या चीज है इसके बाद हमें एक बुढ़ा कपल दिखाया जाता है जो बैठे अपनी शाम की चाय पी रहे थे रात में देखता है की उसका जो डॉग था वो लगातार भोंग रहा था तभी उनका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है वहाँ पर जोर जोर से हलचल हो रही थी जब दोनों थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखते हैं, तो का घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को इनके पास भेजा जाता है रास्ते में जाते हुए एंड्रेस नोरा से उसके डैड का पूछता है नोरा बताती है कि मेरी मॉम तो बहुत सालों पहले मर चुकी हैं और मेरे डैड जिंदा हैं। मेरे डैड की सोच दुनिया से बिल्कुल अलग है इसीलिए वो बिल्कुल अकेले रहते हैं एंड्रेस नोरा को अपने बारे में भी बताता है की उसे एक राइटर बनना था पर वो नहीं बन पाया यही बातें करते हुए अब वो उस बूढ़े कपल के पास पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है वो बताता है कि कोई नदी को पार कर कर आया और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया और तीन किलोमीटर तक उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं फिर जिसके बाद पैरों के निशान गायब हो गए अब नौरा उस बड़े कपल के पास पहुंचती है बड़ी औरत नौरा को बताती है कि उसने कोई अजीब सी आवाज़ सुनी थी कि जैसे कोई रो रहा हो और वो आवाज़ बहुत अजीब थी लेकिन अचानक से गायब हो गई इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है उस बुरी औरत की बातें सुनकर एंड्रेस और अपने साथ कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है कि नौरा के डैड ने पहाड़ों को करीब से देखा था और पहाड़ों को इतने अच्छे तरीके से नौरा के डैड के अलावा कोई नहीं जान सकता था अब जब नौरा अपने डैड के पास जाती है तो नौरा के डैड के घर में ट्रॉल्स की बहुत ज्यादा तस्वीरें थी नौरा के डैड बताते हैं की बहुत सालों पहले काम चल रहा था तभी पहाड़ों में से कुछ निकला था पर उसको साबित करना बहुत मुश्किल था उस वक्त गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया तभी नौरा कहती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है डैड उसको बताते हैं कि कई हजार साल पहले ट्रॉल्स ऐसे ही खुले आम फिरा करते थे कोई भी इंसान अगर ट्रॉल्स के साथ कोई ताल्लुक रखता था तो उस इंसान को सजा दी जाती थी कई साल पहले भी ट्रॉल्स बाहर आए थे और नोरा के डैड ने उनका पता लगा लिया था बरा के डैड को पागल साबित कर कर उन्हें पागल खाने भेज दिया गया जिसके बाद नोरा अपने डैड के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ से पैरों के निशान खत्म हो गए थे नौरा के डैड घरों को घोर से देख रहे थे नोरा एंड्रेस और कैप्टन के साथ दूर खड़ी अपने डैड को देख रही थी जिस पर वो दोनों कह रहे थे कि तुम्हारे डैड की हालत और ज्यादा खराब लग रही है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है और को भी यही लगता था कि उसके डैड कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर तभी उसे अजीब सी स्पेल आ रही थी वहाँ पर अचानक से काले बादल छा जाते हैं जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख नजर आती है सच में एक बहुत बड़ा ट्रॉल था ट्रॉल उनके सामने खड़ा हो रहा था कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाता है और यहाँ से निकलते हुए वो अपने कैमरे में सबको ये वीडियो वहाँ पर मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं किसी को भी देखकर कर आँखों आरोप यकीन नहीं हो रहा था के डैड अब भी ट्रॉल्स की बात ही कर रहे थे पर अभी किसी को भी उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था इसीलिए उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है नौरा यहाँ पर सब बातें समझने के लिए उनसे थोड़ा टाइम मांगती है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नौरा ऐसी कहती है की हमारे पास इतना वक्त नहीं है की तुम इन सब बातों को समझोगी और हम उस वक्त तक का इंतजार करेंगे जब तक तुम समझोगी कि वो क्या चीज है वो चीज़ हमें तबाह कर देगी अब आगे का काम मिलिट्री ही संभालेगी वो जो भी चीज़ होगी उसको मार दिया जाएगा कैप्टन के पास जाती है वो कैप्टन से कहती है क्या तुम हमें अपने साथ नहीं लेके जा सकते मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ इस बात की इजाज़त तो नहीं थी कि वो इन तीनों को साथ लेकर जाता लेकिन फिर भी वो नौरा की बात मान लेता है मिलिट्री उन्हें ट्रॉल की लोकेशन बताती है कि वो कहाँ पर है जिसके बाद सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर सब फौजियों को भेज दिया जाता है वहाँ पर सबको ट्रॉल का इंतजार करना था वहाँ पर डैड उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि नौरा के डैड ने उसे कभी टाइम नहीं दिया था उसके डैड के होते हुए भी उसने ऐसी जिंदगी गुजारी की कि जैसे उसका इस दुनिया में कोई ना हो नौरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ डैड अभी मेरे साथ है इसके बाद वहाँ पर ट्रॉल आ जाता है लेकिन वो अपनी जगह पर ही रुक गया था उसको पता चल गया था कि इर्द गिर्द लोग हैं वहाँ पर ट्रॉल को देखते ही फायरिंग करने का हुक्म दे देता है पर उस फायरिंग से ट्रॉल को कुछ भी नहीं हो रहा था उल्टा ट्रॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो वहाँ पर इन पर हमला कर रहा था जिससे वहाँ पर बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं एंड्रस नौरा और उसके डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाता है के साथ एक फौजी भी था जो क्रिश्चियन था तभी वो ट्रॉल उस फौजी को उठाकर खा जाता है जो क्रिश्चियन था ये सब देखकर कर नौरा के डैड कहते हैं के जो ट्रॉल्स होते हैं वो क्रिश्चियंस को पहचानते हैं उनको सूंघ सकते हैं जिसके बाद वो उस ट्रॉल के सामने जाते हैं और उसको कहते हैं कि शांत हो जाओ हौसला करो रुक जाओ यहीं पर हैरानी की बात ये थी कि वो ट्रॉल उनकी बातों को समझ रहा था और काफी हद तक वो पुरसकून हो जाता है तभी कुछ फौजी दोबारा से ट्रॉल पर हमला कर रहे थे दोबारा से ट्रॉल को गुस्सा जाता है और वो वहाँ पर कुछ फौजियों को मार देता है तभी ट्रॉल यहाँ पर गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है जब वो ऐसा करता है तो वो अपने दुख का इजहार कर रहा था और नौरा के डैड को देख कर वहाँ ऐसी चला जाता है ये काफी अजीब बात थी नौरा के डैड को बहुत चोट आई थी वो आखिरी सांस ले रहे थे कहते हैं रॉयल पैलेस और घर ये कहकर वो मर जाते हैं अपने डैड को भी खो दिया था उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था अगले दिन कैप्टन नौरा को बताता है की एक हवाई हमला करने वाले हैं जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और अब ट्रॉल पर सर्च करने लगती है उसको पता चलता है कि रोल्स को चर्च की घंटियां बुरी लगती थी इसीलिए वो चर्च पर हमला करते थे और अब इन सब बातों को सामने रखती है कैप्टन भी नौरा का साथ देता है अब वहाँ पर कमांडर की बात को सामने रखते हुए उसे एक मौका देने का सोचते है क्यूँकी अगर इतने नुकसान को रोक कर रोल्स को रोका जा सकता है तो ये उनके लिए एक अच्छी बात थी यहाँ पर ये था कि वो चर्च की घंटियों को बचाकर उस ट्रॉल को रोकेगी ये आइडिया काम भी करता है ट्रॉल को जब चर्च की घंटियाँ सुनाई देती है तो वो इन घंटियों की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता सभी घंटियों को तोड़ने लगता है जिसके बाद वो इन आवाजों को सुनकर बेकाबू हो गया था जिससे वहाँ पर एक बच्चे की जान भी जाने वाली थी पर ट्रॉल उस बच्चे को बचा लेता है उसे कुछ नहीं होने देता सब लोग ही देख कर हैरान थे इसके बाद ट्रॉल वहाँ पर नौरा को देखता है जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है नौरा का आइडिया काम नहीं करता इसीलिए उसको इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है पूरी गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो उस ट्रॉल पर मिसाइल से हमला करेंगे इसी वजह ऐसी शहर को खाली करवा दिया गया था पर इस मिजाइल की वजह से उन्हें काफी नुकसान होने वाला था जिसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रेस नौरा को घर छोड़ने जा रहा था नौरा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ट्रॉल अब किस साइड पर जाने वाला है तो यहाँ पर उसको अपने डैड की कही हुई बात याद आती है जिन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था यानी कि राजा के घर का और आप वहाँ जाने का फैसला करती है वहाँ पहुँच कर उसको राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है वो बताता है कि पहले जमाने में ये माना जाता था कि अगर किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है शुभ माना जाता है वो बताता है की महल ऐसी पहले यहाँ पर ट्रॉल्स का घर हुआ करता था उनको पहाड़ों का राजा कहा जाता था और चर्च की घंटिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी इसीलिए वहाँ के राजा ने सबको मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया उस बच्चे को डरा धमका कर पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया गया ताकि वो वहाँ पर मर जाए वो ड्रॉल इसीलिए यहाँ पर आना चाहता है सालों के बाद वो उठा है वो अपने घर वापिस आना चाहता है मिनिस्टर वहाँ पर उनको गुफा में कुछ कंकाल दिखाता है जो सभी ट्रॉल्स के थे जब वहाँ के कंकाल पर रोशनी करती है तो हिस्सा पत्थर का बन जाता है और उसको यहाँ पर वो कहानी याद आती है जो उसके डैड ने सुनाई थी जो तेरा ट्रॉल्स के साथ हुआ था जब उन पर रोशनी पड़ी तो वो पत्थर के बन गए थे कहानियों में भी यही लिखा गया था की रोशनी उनकी दुश्मन इसीलिए ट्रॉल्स पर अगर तेज रोशनी पड़ती थी तो वो पत्थर के बन जाते थे नौरा कैप्टन को कॉल करती है और उसको अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रॉल को मारना है ताकि उनको बड़े से नुकसान को झेलना ना पड़े एक बहुत खुले मैदान की तरफ आने का कहती है और साथ ही बहुत बड़े सोलर सिस्टम का भी इंतजाम करने का कहती है इसके बाद नौरा और एंड्रेस अपनी गाड़ी के अंदर उस छोटे बच्चे के कंकाल को रख लेते हैं जिसको राजा ने ड्रा थमका कर दोबारा ऐसी गुफा में भेज दिया था जो ट्रॉल ही था ताकि वो जो बड़ा ट्रॉल है उसको देख कर उनका पीछा करे ताकि वो उसको में दान की तरफ लेकर जा सके थोड़ी ही देर बाद रेडियो आरोप भी ये अनाउंसमेंट हो जाती है की कुछ देर के बाद मिसाइल को छोड़ा जाएगा नौरा पर अपने प्लान को कामयाब करने के लिए इन मिसाइल हमलों को रोकना था इसीलिए यहाँ पर एंड्रेस अपने एक साथी को कॉल करता है ताकि वो सारे सिस्टम को हैक कर सके वो ऐसा ही करती है और सारे सिस्टम को हैक कर लेती है जिसके बाद सारे मिसाइल बंद हो जाते हैं कैप्टन ने भी सोलर सिस्टम को सेट कर लिया था दूसरी तरफ नौरा और एंड्रेस उस कंकाल के साथ ट्रॉल के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं ट्रॉल वहाँ पर जब उस कंकाल को देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है नौरा यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी भगाती है नौरा अचानक से जब अपनी गाड़ी रोकती है तो वहाँ से कंकाल नीचे गिर जाता है जिसके बाद ट्रॉल वहाँ पर उस कंकाल को अपने हाथ में उठा लेता है तो देख कर रोने लगा था अभी उसके दर्द को महसूस कर रही थी ट्रॉल का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था वो बिल्कुल अकेला था तभी वो कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है अब गुस्सा रहा था और गुस्से से वो नोरा और एंड्रेस के पीछे पड़ जाता है नोरा भी बहुत तेजी से गाड़ी चला रही थी ताकि वो ट्रॉल से बच पाए और वो उस खुले मैदान की तरफ पहुंच जाते हैं ट्रॉल उनको पकड़ नहीं वाला था पर नौरा और परिस ने अपनी गाड़ी से छलांग लगा दी वहाँ पर उस मैदान में कैप्टन सोलर सिस्टम को चला देता है उधर दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में भी ये पता चल गया था कि मिसाइल के सिस्टम को हैक किया गया है वो सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं मिसाइल्स को भी छोड़ दिया जाता है जब कमांडर को ये बात पता चलती है कि वहाँ पे फौजी भी है तो वो मिसाइल को वहाँ पर रोकने का कहता है वहाँ खुले मैदान में अब ट्रॉल पर जो बहुत ज्यादा रोशन पड़ती है तो वो चीखने लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर का बन रहा था उसको काफी दर्द हो रहा था वो चीखते हुए रो रहा था तभी यहाँ पर नौरा को एहसास होता है कि ये सब गलत कर रहे हैं पहले भी उनको मार कर उनका सब कुछ छीन लिया गया था जबकि वो लोगों के लिए कोई खतरा भी नहीं थे इस दुनिया में कुदरत ने बनाया है इसलिए उन्हें भी जिंदा रहने का हक है नौरा सारे सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है वो ट्रोल से कहती है की यहाँ से चले जाओ दूर कहीं दोबारा से अंधेरे में जाकर छुप जाओ ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे तुम्हें मार देंगे ट्रोल भी यहाँ पर नौरा की बातों को समझ रहा था पर अब बहुत हो चुकी थी सूरज निकल गया था और सूरज के निकलते ही वो ट्रॉल पत्थर का बनने लगता है देखते ही देखते वो पत्थर का बन जाता है बहुत तो अफसोस था कि वो ट्रॉल को बचा नहीं सकी खैर वहाँ पर मिलिट्री कैंप की टीम पहुँचती है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नौरा से कहती है तुम्हारे डैड की कहानियाँ बिल्कुल सच्ची थी भी इसका एहसास हो गया था कि उसके डैड हमेशा से सच्चे थे एंट्रेस भी यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ देता है वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे तो राइटर बनना है एंड्रौरा से कहता है क्या पहाड़ों के अंधेरों में और भी ट्रॉल्स रहते हैं नौरा इस बात पर हंसने लगती है कहती है हाँ कुछ भी हो सकता है ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है